ओ हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लास्ट में। एक बार फिर से ये है मारुति इको। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्टार्ट होने के बाद में गियर नहीं ले रही, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक सेकेंड, और ये देखिए नया मॉडल है। अब ये देखिए इसके गियर देखिए बढ़िया आ रहे हैं। अब ये देखिए क्लच वगैरह सब बढ़िया, यानी क्लच इसका थोड़ा नरम हो चुका है, मतलब सॉफ्ट हो चुका है क्लच। ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्री सा लग रहा है। अब देखो ऐसे में तो गियर आ रहे हैं, है ना, खूब बढ़िया। अब जैसे इस गाड़ी को अगर अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है ना, अब गियर लगाएंगे गियर नहीं आ रहा, कोई सा भी गियर नहीं आ रहा। ये देखिए, ये देखिए कोई सा भी गियर नहीं आ रहा। स्टार्ट होने के बाद में कोई गियर नहीं आ रहा, गाड़ी जैसे ही अपन बंद कर देते हैं ये देखिए तो गियर आना चालू। ये देखिए तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम इसको देखो खोलते हैं अभी, फिर खोलने के बाद में देखते हैं। इसका गियर उतारना पड़ेगा वैसे, बाकी और जितने भी लोग हैं ना उन लोगों ने बताया है कि इसके क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेयरिंग तीनों सेट डलेगा जब जाकर गियर आएंगे। और एक भाई ने तो गियर ही ख़त्म बताया, कैसे गियर की गिरारियाँ और गियर के जो आते हैं ना, मतलब कुत्ते वगैरह यानी बेयरिंग वगैरह, वो सब ख़त्म है, तो इसलिए इसका गियर में खर्चा है। एक भाई ने बताया कि 4.5 से 5 हज़ार का खर्चा है जिसमें क्लच प्लेट वगैरह सब डलेंगी, और एक भाई ने बताया कि करीबन 15-20 हज़ार का खर्चा है, गिरारियाँ वगैरह क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सब चेंज होएंगी। और हमने कस्टमर को ये बोला भैया बिना खोले मैं नहीं बताऊँगा क्या ख़त्म है, तो मैंने कहा है पहले खोलूँगा, क्या पता खोलने पर आपका काम 2 हज़ार में हो जाए और क्या पता वो भी लग जाए, तो मैं भी खोल के देखता हूँ देखो क्या निकलता है। चलो फिर खोलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों खोलने के बाद में पता चला है कि बिल्कुल छोटी सी बीमारी है, मतलब छोटी है, बहुत छोटी है, मान लीजिए ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यानी जो बताया गया था ना भाई कि गियर में भी हो सकता है, क्लच प्रेशर भी डल सकती है, वैसा कोई सीन है नहीं। और क्लच प्रेशर हम इसकी चेक करेंगे ठीक है नहीं है, अगर ठीक हुई तो उसी को चलाएँगे, अगर हल्की सी भी डाउन लगी हमें तो रिप्लेस करेंगे। बाकी इसमें प्रॉब्लम छोटी है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखो गियर निकाल लिया, अब वो निकाल रहे, प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों ये गियर में से निकाल लिया इसका चिमटा, मतलब इसका चिमटा टूटा हुआ है और किसी ने कभी वेल्डिंग करके भी चलाया इसको। ये देखिए इसका चिमटा टूट गया इस वजह से इसका, और ये बेयरिंग ये भी आवाज़ कर रहा है दोस्तों, ये भी हम चेंज करेंगे। तो ये देखिए चिमटा भी चेंज करेंगे, अब ये चिमटा और क्लच बेयरिंग दोनों ले आते हैं हम, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो एक यानी छोटी सी ये देखिए सिर्फ एक चिमटा टूटने की वजह से गाड़ी में गियर आने बंद हो जाते हैं। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को पता क्या होता है, जैसे कि आपने गए आपको बोल दिया मैकेनिक सर जी इसका तो गियर खुलेगा, और आप भी जैसे ऐसी पोजिशन आए तो आप भी कन्फ्यूज हो कि यार गियर बहुत टाइट हो गए थे, लगाने पर आवाज़ कर रहे थे। ये क्या होता है जैसे गियर, ये जब तक प्रेशर को, प्रेशर प्लेट के यानी फिंगर को दबाएगा नहीं ना, जब तक क्लच प्लेट फ्री नहीं होएगी तब तक गियर इजी नहीं आएंगे। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या होता है, आप गाड़ी खड़ी कर देते हो, अब वो आपको बताता है भैया गियर खुलेगा, उसके बाद में पता चलेगा या तो इसकी गिरारियाँ डलेंगे वो डलेंगे, और निकलती है अच्छी छोटी सी बीमारी जो आपको बताई नहीं जाती है, और ये छोटी सी बीमारी ठीक करके और आपसे मोटा पैसा ले लिया जाता है। ये काम इस मैकेनिक लाइन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बीमारी पहले छोटा प्रोसेस चेक कराना है कोई भी काम हो। क्या दोस्तों तो चलो हम चिमटा मंगवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारे पार्ट्स वाले भाई हैं जैन साहब, ये चिमटा ले लिया है, ये देखिए ओरिजिनल चिमटा है, और एक ये कलर बेयरिंग भी ले लिया। अब 500 रुपये का तो ये चिमटा लिया है, और ये बेयरिंग मैंने SMR का लिया है, यानी जो वैल्यू का है वो अभी है नहीं। तो ये कितने का बेयरिंग है, 600 रुपये का, 600 रुपये का बेयरिंग है और 500 रुपये का चिमटा है सिर्फ। ये देख लिए दोस्तों सिर्फ ये खर्चा है गाड़ी में, और क्लच प्रेशर वो है बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अभी तक, तो काफ़ी लंबा चलेगी वो। तो चलो ये डाल देते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। देखो तो ये देखिए दोस्तों इसमें क्लच बेयरिंग असेंबल कर लिया है लॉक लगाकर, अब लगाना भी काफ़ी ईजी है, हल्का सा थोड़ी सफाई होगी और थोड़ा ग्रीस लगेगा इसमें, और इसलिए लॉक लग के आराम से फिट हो जाएगा, काफ़ी ईजी प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है। अब ये देख लीजिए दोस्तों ये हाल है, अब ये देख लीजिए ये 500 रुपये का ये, 600 रुपये का बेयरिंग, 1100 रुपये का सामान है, जिसकी जगह पहले एडवांस में जो बता देते हैं ना अट्टम सट्टम के, भाई साहब इतना हज़ार का खर्चा है, इतने हज़ार का खर्चा है,
वो सब गलत होता है, इसलिए बोलता हूँ आप अपने यानी सिर्फ पूछ बात करने वाले बन जाए, भाई क्यों है, यानी गियर ख़त्म क्यों हुआ है, अगर कोई आपको क्लच प्लेट ख़त्म बताया तो क्यों हुई है, ये पूछने वाले बन जाए। और एक बार वो बोले भाई ठीक है खुलवा का आप आंखों से चेक कर ले, गाड़ी छोड़ के ना जाए दोस्तों, ये हाल बहुत बुरा हो रहा है। तो चलो देखो भाई लगा देता है, भाई के लगाने के बाद में फिर हम दिखाते हैं आपको वीडियो, फिट करके और देखो गियर लगा के दिखाऊँ कितना सॉफ्ट होएगा। तो ये देखिए दोस्तों क्लच प्रेशर की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, हमने अच्छे चेक कर लिया, पत्ती पे बिल्कुल भी अभी भी निशान भी नहीं आए हैं, एंड ठीक ठाक है, अभी काफ़ी चलने लायक है, तो इसलिए हम लोग चेंज नहीं कर रहे, शायद कस्टमर ने कहीं पे पहले चेंज करवा ली, तो बढ़िया कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए ये गियर कंप्लीट कर दिया है, सब कंप्लीट लगा दिया है, अब आपको मैं दिखाता हूँ स्टार्ट करके और गियर लगा के। ये देखो नोट कर लेता हूँ एक मिनट, ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, अब ये देखिए क्लच देखिए कितना प्यारा काम करेगा, ये देखिए अब सारे गियर आ रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बढ़िया चल रही है अब गाड़ी, ये देखिए अब देखिए स्टार्ट गाड़ी में बढ़िया गियर आ रहे हैं, ये देखिए अब गाड़ी फर्स्ट क्लास है। अब ये देख लीजिए दोस्तों और चला के भी दिखा देता हूँ, देखो पिकअप वगैरह सब कंप्लीट कर लेता हूँ। और तो ये देखिए दोस्तों अब हम इको को ले आए हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, ये देखिए रोड पर ले आए हैं, अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखो यानी सिर्फ ये यानी कि 1200 रुपये के खर्चे में गाड़ी कंप्लीट हुई है, जबकि यहाँ बताया गया था कि गियर की गिरारियाँ खत्म है, क्लच प्रेशर खत्म है। अब देखो क्लच प्रेशर मैंने नहीं डाली है इसमें बिल्कुल भी, पुरानी ही चला रहा हूँ, देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। अब ज़्यादातर क्या करते हैं क्लच प्रेशर भी चेंज कर देते हैं, जबकि दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ यानी कोई भी चीज़ खराब होती है ना, तो देखो मैं ये मानता हूँ भैया 70% या 80% है ना कोई भी प्रॉब्लम का एक छोटा ही प्रोसेस यानी छोटा ही रीजन होता है, बस ये छोटा रीजन आप लोगों से छुपा लिया जाता है और आप लोगों से मोटा पैसा ले लिया जाता है, ये किया जाता है आजकल मैकेनिक लाइन में, बहुत बुरा चल रहा है काम, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ। देखो ये गाड़ी कितनी प्यारी बनी है, देखो मैं चला के दिखाता हूँ, देखो गाड़ी स्टार्ट है, अब देखो गियर कितने प्यार से आ रहे हैं, ये देखो आप ये देखो ये देखो, तो अब देखो मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया पिकअप उठा रही है गाड़ी, और ये देखिए यानी कि सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट चल रही है गाड़ी, ये देखिए यानी अभी तीसरा ही गियर है, और ये देखिए बढ़िया स्पीड भी पकड़ रही है, पिकअप वगैरह सब फर्स्ट क्लास है। अब ये सिर्फ यानी ये मान के चलिए ये सिर्फ गाड़ी में 1200 रुपये का खर्चा था और कस्टमर को जचे जो बताया जा रहा था, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें बताई जा रही थी। तो ये देखिए गाड़ी बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इस तरीके से काम है, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, कई जगह पर ये होता है जहाँ पर भाई आपको हर एक चीज खत्म बता दी जाती है और आप बोल देते भैया गाड़ी छोड़ दो गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हमेशा पहले रीजन पूछ लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप बोलने वाले बने, आप पूछने वाले बने, और थोड़ी सी यानी कि मैकेनिक लाइन की अगर आप गाड़ी रखते हैं तो समझ होनी चाहिए दोस्तों। और मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालता हूँ जिन पर जैसे मान लीजिए छोटे मोटे काम तो आप खुद घर पर ही कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी, कोई ना कोई पब्लिक प्रॉफिट की होगी जो मैकेनिकल होगी। तो चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो छोटी छोटी पब्लिक प्रॉफिट की होती है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फायदे की होगी।